अरे अरे अंकल, अरे 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 किसकी किसकी फोटो ले रहे हो? अरे किसकी फोटो ले रहे हो? अभी आपकी फोटो बन जाती है। शुक्र है टाइम का हमने देख लिया आपको। Hi, good morning friends. Welcome back to our channel. सुबह का दिन है और 2 बजे। ये रहा मेरे पति और ये नहीं है मेरी पत्नी, ये कोई और है। क्या हुआ, क्यों? जो न चल पा रही है, न हिल पा रही है, न बोल पा रही है। आपको पता है रात को मैंने कॉम्बी फ्लेम लिया है, क्या क्या किया है, आंसू निकले मेरे। अंदर ही अंदर निकल रहे थे, बाहर नहीं आए, लेकिन मेरी आत्मा रोई है, इतना दर्द था। मैंने सरवार सब इसे देखो, आपसे देख सकते दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन दिख नहीं पा रहा है। ज्यादा दिखा देना, थोड़ा दिखाना जहाँ तक अब हद ना लगे, तो ये मैं दोस्तों वहीं तक दिखाना जहाँ तक ठीक लगे मामला। बाकी अभद्र लग सकता है। बहुत बाम वगैरह सब लगाई है, तेल वेल लगा लिया है। अभी खाना खाऊंगी दोस्तों। मैंने ऑनलाइन 2 घुटने और 1 कूला ऑर्डर कर दिया है। फिर आते लगवा लेना तुम। दोस्तों मैं नहा के फिर अभी खाना खाऊंगी, मतलब पहले खाना खा के फिर नहाऊंगी और फिर आपको मिलती हूँ। मिलना क्यों है दोस्तों? बता रहा था मेन काम के लिए आई हूँ मैं ऑनलाइन। ये ब्लॉग बन रहा है, ये ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहा कि मेरी हालत खराब है। देखो हालत तो खराब रहती है, हालत तो हो ही सकती है इंसान की खराब, लेकिन मैं जा रही हूँ आज KGF देखने। तो KGF के लिए मैं अब तैयारी कर रही हूँ। KGF के लिए टांगे भी तो चलनी चाहिए। हॉल तक तो पहुंचू नहीं, सिनेमा हॉल में एक नई फैसिलिटी आई है स्ट्रेचर की। नीचे से ले जाके आपको सीधा ऊपर लिटा देंगे। KGF देखने की वो देख रही हूँ मेरे अंदर उत्साह और ललाहनपन। ललाहनपन कौन सा पन? उत्साह और ललाहनपन, ललाहित होता है इंसान। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मेरी दर्द की हंसी है, मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, तुम नहीं मिल रहे हो, तुम दिखा तो दो मैं आपको मुड़के। तुमने दिखाया था ना दीवारों को, वो मैं ही हूँ। लोग समझ जाते हैं जब भी ब्लॉग में दीवारें दिखे मतलब अविनाश है वो। तो जी मैंने पिछले आधे घंटे से ये पैर डाला हुआ है पानी में, थोड़ा सा आराम तो मिला है, थोड़ा सा आराम। तो जी मैं अपना काम खत्म कर करके फटाफट से तैयार हो गया हूँ, बेबी भी तैयार हो गई है, क्योंकि हम लोग का अभी शो है, हम लोग जा रहे हैं KGF देखने जैसा कि बताया था। और हमेशा की तरह हम लेट हो गए, हम हमेशा लेट हो जाते हैं फिल्म देखने के लिए। चलो मैं तो काम कर रहा था, ये तो तैयार रह सकती थी ना, मेरे उठने के बाद इसने कपड़े बदले। तो जब आपको पता है आपको चलने में इतना टाइम लग रहा है तो आपको जल्दी आना चाहिए ना, वहाँ थिएटर में भागना पड़ गया, बोला अभी पिक्चर यहाँ नहीं, दूसरे थिएटर में चलेगी तो दूसरे स्क्रीन में जाना पड़ेगा। पता है मजाक की बात नहीं है यार, ऐसे कैसे हो गया? और पैरों में इतना दर्द होने के बावजूद भी समाह ने डिसाइड किया गाड़ी वही चलाएगी वरना फिल्म निकल जाएगी। मतलब फायदा नहीं है ना, गाड़ी तुम चलाओ और फिल्म हमें देखने के लिए ना मिले। फिल्म आपको पता है निकल चुकी है। चलिए चलिए, और अगर इतना ही निकल चुकी थी तो पहले रेडी रहना चाहिए था आपको। आपकी वजह से मैं लेट हूँ। आप खाली ये देखने जा रही हैं, आप खाली ये देखने जा रही हैं कि थिएटर उसके बाद साफ कैसे होता है। मुझे मेरे को समझना एक ये है कि तुम जो लोगों के सामने मुझे गिरा रहे हो कि मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई, बेबी ये जो लेट हम निकले हैं तेरी में किसकी वजह से निकले लेट? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरा तो पता था कि मैं इतने बजे फ्री होकर रेडी होऊंगा। मेरे पीछे पीछे आई हो तुम, मैं क्या पहनूं, मैं क्या नहीं पहनूं। तरह से आदमी तो झूठा आदमी है, यहाँ से तो कट करा लोगी, एडिटिंग में तो मैं रखूंगा ही ना। ये आप रखिए, लेकिन मेरे को लगता है कि सच लोगों के सामने अब आ जाना चाहिए इसका। ले आओ, मैं ला नहीं पा रही हूँ ना तुम्हारा सच, तुम ऐसे वो गिगे बन जाते हो ना। क्या बन जाते हो? गिगे। गिगे क्या होता है? अच्छा, तो जी 7:55 का टाइम था और 7:59 पे मतलब 8 बजे पहुंचे हम, 5 मिनट लेट। अभी देखते हैं क्या होता है ऊपर जाके। और मैं बिना कॉफी लिए तो अंदर जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को मैंने पता है आपको, मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी है। छोड़ दी? कब नहीं पीती। चलो चलो चलो, ऊपर की लाइट बंद करो। SOS तो नहीं दबा दिया? अभी आ जाएंगे मर्सिडीज वाले। स्क्रीन 3 कौन से फ्लोर पे है? स्क्रीन 3 मेरी है 4th पे। पक्का? हाँ। यहाँ लिखा होगा ना स्क्रीन 3 और 4 नंबर। आ गई आ गई, चलो 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 चलो। कैसे चल रही हो? मैं ऐसी चलूंगी, मैं दिखावे के लिए मैं सीधा नहीं चल सकती ना, मतलब तो सीधा नहीं चला जा रहा। 2 बार बाल्टी में पैर के आई हूँ गर्म पानी में, तब भी नहीं खुल रहे हैं। अगर लोग को पता चल गया कि कोई KGF देखने आया है, KGF वी Chapter 2 और ऐसे KGF 1 में घर पे भी देख के आई हूँ दोबारा। हाँ, और इसका डेडिकेशन देख लो KGF के लिए। आज इसने 1 दोबारा देख लिया ताकि इसको 2 समझ में आए। पहले देख चुकी हूँ
लेकिन मैंने कहा अपने यादें ताजा करने के लिए दोबारा से केजीएफ 1 देखी जाए। तो जी अविनाश ने यहाँ पर ले लिया है पॉपकॉर्न और साथ में लिया है कोई डाइट कोक और ये पानी का बॉटल हमारा है क्या? पानी का बॉटल भी हमारा है जो कि मुझे नहीं पता था। और कॉफी भी ले रहे हो तुम? अपने लिए। मैं नहीं ले रही कॉफी। कॉफी छोड़ दी ना तुमने? अब कॉफी छोड़ दी ना आज के लिए, तो नहीं पी रही हूँ मैं। अरे ऊपर ऊपर ऊपर, अब आप वो नहीं रही मैडम जो 10 रुपए की टिकट लेके आगे बैठती थी, ऊपर है बैल्कनी में आइए, लेकिन आप भूल जाती हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो ये आपको बता दूं, थिएटर में आते ही मेरी जैकेट छीन ली गई है। अपनी जैकेट क्यों नहीं लेके आती हो तुम? नहीं भूल गई ना। चुना। आपको पता है मैंने पता नहीं दोबारा ये बात बताई है कि नहीं बताई, लेकिन मैं KGF 1 आज दिन में देख के दोबारा आई हूँ। मतलब मैंने देखी हुई थी लेकिन दोबारा देखी है मैंने, सो दैट मेरा मोमेंटम बना रहे, मोमेंटम बना रहे और मैं 2 के अंदर सीधा घुस जाऊँ। मतलब मुझे कुछ याद ना करना पड़े। मैं याद नहीं है, मुझे सब पता है क्या होने वाला, मतलब क्या हुआ था, अब क्या होगा, के लिए मैं पहले से तैयार हूँ। क्यों बेबी? स्टोरी बता दो कौन सी फटाफट। अरे कोयले की खान में कुछ हुआ था। चलो स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। तो जी हम लोग KGF चैप्टर 2 देख के निकल गए। यस सलाम रॉकीला। ये बात सही है कि पिक्चर जो थिएटर में रिलीज हो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मतलब अगर आपको सच में जानना है कि जो कहते हैं फिल्म बड़ी है, बड़ी फिल्म है, उसकी बड़ी फिल्म है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो KGF में आपको पता चलेगा बड़ी फिल्म मतलब क्या। हीरो को हीरो कैसे दिखाया जाता है वो इस फिल्म से सीखेंगे आप। मेरे को इतना मजा आया ना एक बार, मतलब वन टाइम वॉच तो ये डेफिनेटली है फिल्म। फिल्म में तो आपको देखो स्टोरी टाइप वगैरह तो आप छोड़ दो सारी बातें, दिमाग को साइड पे रखो, लेकिन सारा आप रॉकी भाई क्या करेंगे, जो क्या है वो पीछा करता है रॉकी भाई का, क्या है नहीं नहीं ये क्रिमिनल टाइम पीछा करता ना। अरे रॉकी भाई को उसको नहीं बुलाता, मतलब हम ट्रबल को नहीं बुलाता है, ट्रबल रॉकी भाई के पास आता है। रॉकी भाई बहुत बड़ा है और इसमें बता दिया गया है कि रॉकी भाई के चैप्टर 3 में आने के पूरे चांसेस फिर से है। KGF आप देखोगे तो एक पॉइंट पे लगेगा पिक्चर खत्म हो गई है, लेकिन से फिर थिएटर मैं बोल दूं बहुत मजा आ रहा है। पिक्चर खत्म हो जाएगी तो आपको लगेगा पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन थोड़ी देर वेट करना, लास्ट का सीन बेस्ट है। दोस्तों मेरी बेबी कुछ और भी बताएगी? नहीं नहीं, बेबी को लगता है कि बेबी बहुत ज्यादा बोलती है इसलिए बेबी बताएगा। और जी दोस्तों संजू बाबा ने ऐसा काम किया है क्या आप बताएं, संजू बाबा ने मतलब हद कर दी। और जो लुक है संजू बाबा का, ओ हो माशाल्लाह मजा ही आ गया। और खैर हीरो की तो बात ही नहीं करनी, मतलब बात शब्द ही नहीं है हीरो के लिए, तो जो किया है और जो दिखा है हीरो, सलाम रॉकी भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इवन रवीना टंडन हैज डन अ वेरी गुड जॉब। रीना टंडन? रीना टंडन, रवीना टंडन पसंद आया। ऐसे धाकड़ वाले रोल्स, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मुझे भी करने चाहिए। कोई देगा नहीं अलग बात है, लेकिन करने चाहिए। देखो अगर आपको हॉल में जाके चिल्लाना, सीटी बजाना, तालियां बजाना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए। मैं कितना चिल्लाई ना बिना बात पे, बहुत बढ़िया थी यार। और अगर अगर आपको फिल्म से कोई सीख चाहिए, कोई थीम चाहिए, कोई मैसेज चाहिए, कोई वो चाहिए, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अरे 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 अंकल, अरे 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 किसकी किसकी फोटो ले रहे हो? अरे किसकी फोटो ले रहे हो? अभी आपकी फोटो बन जाती। शुक्र है टाइम पे हमने देख लिया आपको। बीबी वो कैसे रोड के बीचों बीच आके फोटो ले रहा था गेट की? गेट पे क्या है? अच्छा फूल लगाया है वो, तो फूल डेकोरेट किया, डेकोरेशन की फोटो ले रहा था बीचों बीच 11 बजे रात को। तुमने मेरी जैकेट क्यों ले ली हॉल में? मैं पता ठंड में कितना ठिठुर रहा हूँ, तुम अपनी जैकेट लेके क्यों नहीं जाती हो? मेरे को लगा इतनी ठंड होगी नहीं, लेकिन हो गई। मैं ये बोबो मिले जिन्नू बाबा, मिले गुड्डू बाबा आया। चल 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 आगे वाले राइट पैर में कुछ हुआ है, कुछ नहीं ये पैर में कुछ हुआ है, इस पैर में कुछ हुआ है राइट वाले में। चेरी
क्या हुआ, कूदी वूदी है कहीं से, क्या हुआ है? चलो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ बस। चलो जी घर पे आ गए हैं। चेरू मामा मामा पारी कर रहा है और उधर बच्चा और मम्मा एक दूसरे को पारी कर रहे हैं, एक दूसरे के आँख कान नाक साफ कर रहे हैं। मिले चेरू मामा मुझे कहा भूल बच्चे यार, चेरी बहुत प्यारी है यार। इसको क्रोसिन दे दो ना, इसका पैर में चोट लगी है तो। कहाँ लगी है पैर में चोट? नहीं नहीं नहीं, इतनी भी लगी, ऐसे ही सोई होगी, झटका वटका खा लिया होगा। अगर लगेगा मुझे सुबह तक तो ही दूंगी, ऐसे थोड़े ना बच्चे को दवाई देते रहना। तो हम आपको मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक जिन्होंने KGF नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच, एक वन टाइम वॉच है, इट्स अ गुड मूवी, मजेदार मूवी है, डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी थिंग्स बट इट्स अ वेरी गुड मूवी। बाकी तुम मुझे बताओ, अगर तुमको रेटिंग देनी हो पुष्पा RRR और KGF में तो कैसे दोगी? नंबर वन पे कौन सी? RRR नंबर वन। हाँ। नंबर टू पुष्पा। नंबर थ्री KGF। हाँ। तुम सेम ना, क्योंकि RRR में मतलब वो जो वो जिस तरह से राम और वो दिखाया ना श्री राम, और वो जो मेकओवर्स दिखाए हैं, और बहुत कुछ मतलब स्टोरी लाइन में भी बहुत कुछ है, इमोशनल इमोशंस बहुत है, भाई भाई हीरोइज्म और इमोशन दोनों है, इसमें भी है, लेकिन इसमें वो कोल माइंस काला पुती हुई गोल्ड माइन ये सब बहुत ज्यादा है, पर ठीक है ये सबको अपनी वो उसकी बात होती है। मैंने तीनों मूवीज इंजॉय की है, तीनों मूवीज मुझे अच्छी लगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक नंबर दूं दो नंबर दूं, बट आज तुमने मांगा है जो कि बहुत गलत किया, नेवर डू दिस अगेन विद मी। तो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। देखो मां बेटी का प्यार, देखो हमी ले बाबा जी चाचा जा, मासी भी आ गई तेरी, माछी को भी पारी पारी कर, माछी को तो मेरे को दे दो, माछी को थोड़ा सा रगड़ेंगे, अरे रे 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 माछी को थोड़ा सा रगड़ेंगे। सर पे क्यों चढ़ जाती है? नहीं सर पे चढ़ती है, पता नहीं क्या करती है, देखो ये डोमिनेट करने की कोशिश करती है ऊपर चढ़ के ना, सर में पता कर दूंगी इसके बारे में। हाँ ये इसके वो डॉग का बिहेवियर जो समझते हैं ना वो बता सकते हैं।